हाय फ्रेंड्स, तो हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न चटपटा। उसके लिए मैंने एक ऑनियन मीडियम चॉप्ड, हाफ स्पून ड्राई, हाफ स्पून ही जीरा और थोड़े से करी पत्ते। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम चढ़ा दिया है। अब हम ये सब, तो अब हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। हमारा ऑनियन पक रहा है। ये मेरे लिए हाफ स्पून रेड चिली पाउडर, वन पिंच हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और वन स्पून सॉल्ट, हाफ स्पून शुगर और हमने लिया है थोड़ा सा गुड़। अब हम ये अपने जो सब मसाले हैं इसमें एड कर देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे 5 मिनट। फिर हमने लिए रोस्टेड पीनट्स, तो मैंने इनको थोड़ा सा क्रश कर लिया है, हल्का सा छिलका। हम इसका फेंकेंगे नहीं, छिलका इसमें, छिलके में क्या बहुत आयरन रहता है, तो छिलके समेत हम इसमें एड कर देंगे। तो देखिए हमारा ये मसाला कितने अच्छे से पक गया है ऑनियन। वाव, हमें पीनट्स को ज्यादा पकाना नहीं है, ऑलरेडी ये रोस्टेड है। अब ये है कॉर्न, मैंने बॉईल कर लिए हैं। ये देखिए, ये हमारे कॉर्न बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसको कॉर्न को इसमें मिक्स कर देंगे। साथ में हम डाल देंगे आधा चम्मच आधा नींबू और इसको 2 मिनट के लिए इसमें पकने देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा कॉर्न चटपटा चाट बनके रेडी है। गुड़ से इसमें एक यूनिक फ्लेवर आता है, गुड़ और शुगर से, और उसके ऊपर भी नींबू का रस डाला है तो एक अलग ही फ्लेवर बन के आता है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए, अगर कुछ जब भूख नहीं हो, कुछ हल्का खाने का मन हो, तो इसको जरूर ट्राई कीजिए, इससे पेट भी भरेगा। देखिए फ्रेंड्स,